हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर। 2022 में मिरर से इतना सारा क्वेश्चन पूछा, मतलब हर एक शिफ्ट में दो चार क्वेश्चन तो पूछ ही रहा था। तो जिसका लेंस और मिरर कंफर्म था उसका दो नंबर तो एकदम पक्का था। तो आज आप लोग अपने रेलवे के सभी एग्जाम के लिए अगर दो नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग दर्पण और लेंस, मिरर और लेंस को क्लियर कर लीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। इस क्वेश्चन को लगाना हो तो दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण ड्रा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको अवतल दर्पण ड्रा करना है, तो अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। सपोज मान लीजिए हम लोग क्या हो गया है, एक अवतल दर्पण हो गया है। अवतल कोई भी दर्पण होगा उसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसका एक कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक होता है फोकस। तो इसका फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका एफ है, दिया है 10 सेंटीमीटर। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या एक वस्तु रखी गई है, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे हमारी एक वस्तु रखी गई है। तो इसका हमको इमेज बताना है। तो दर्पण का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अगर तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एफ भी दिया हुआ है और यू जो वस्तु की दूरी उसको हम लोग यू बोलते हैं, यानी कि आपको यू भी दिया गया है। अब दर्पण से जो जितने भी चीजें इसके लेफ्ट साइड में रहेंगी सारी चीजों को हम लोग निगेटिव लेंगे। तो देखिए 1/f = आपका हो जाएगा 1/f = आपका 1/ फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी दिया है। तो हम लोग -10 लिखेंगे और v हमको निकालना है, u हमको दिया है -1/20 cm, ये दिया है 1/20 cm। तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/v = हो जाएगा 1/20 - 1/10। 1/v = हो जाएगा ये 10 - 20/200। तो v = आपका हो जाएगा -10/200। 0 से 0 गया, v = आपका हो जाएगा -20 cm, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से -20 cm दूरी पे बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अगर आप लोगों को समझ, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन पे। बाबू वीडियो स्टॉप कर लीजिए। तो हमारा दर्पण का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा होगा, रखा गया है। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए हमारा हो गया दर्पण। इसका हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लोग कलर कर देते हैं। इसका प्रिंसिपल पोल हो गया और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा फोकस और ये कर्वेचर। बोला है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पे आपका वस्तु रखा गया, यानी कि यहाँ पे कहीं आपका 15 सेंटीमीटर दूरी पे आपका वस्तु रखा गया यू। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण के लिए प्लस होता है, लेंस के लिए यही माइनस हो जाता है। तो 1/f आपका दिया है -10 = 1/v = -15। तो 1/v = आपका हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 1/15 - 1/10, ये आपका हो जाएगा 10। इधर जाएगा तो हो जाएगा v = हो जाएगा 10 - 15/150। तो v = आपका हो जाएगा -5/150। v = काट के आंसर आ जाएगा माइनस का आपका 30 सेंटीमीटर, 1/v है ये, 1/v। तो v = आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब में जो बनेगा दर्पण से -30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत बंद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब आज हम लोग केवल दर्पण को सॉल्व करेंगे, दर्पण में भी अवतल दर्पण को सॉल्व करेंगे, कल हम लोग उत्तल दर्पण को सॉल्व कर लेंगे। बोला है अवतल दर्पण की फोकस
दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, फोकस की दूरी दिया हुआ है माइनस का 20 सेंटीमीटर, वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करिए जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो वी आपकी दूरी यू दिया है, यू आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, इमेज आपको बताना है तो बस वही अपना फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/f आपका दिया है माइनस का 20 यानी 1/-20 = 1/v। बाबू देखिए मैंने, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/30 - 1/20, वी 1/v = हो जाएगा आपका 20 - 30/600, तो v = हो जाएगा 600/-10 कट गया, यानी कि v = आपका आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी।